मजदूर थोड़े हैं। आज अगर आप उस खेत के अंदर काम करना चाहते हैं तो मत अबलीस से डरे, मत अबलीस को अपने पर हैवी होने दे। ये कहें कि ए अबलीस तू हारा हुआ है, ए शैतान तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है, मेरे यीशु ने तुझे कुचला है, मेरे शाफी ने तुझे कुचला है। अगर हम अबलीस से डर जाएंगे, अबलीस से डर जाएंगे तो जब हम डरते हैं, जब हम कमजोर करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि ये बीमारी हमारे घर को छोड़ नहीं रही, तो समझे अबलीस आपके जिस्म के अंदर इंटर हो चुका है। डर, डर जो अबलीस की पहली सीढ़ी है। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमने अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को खुदा के कामों के लिए तैयार करना है। हमने चाहे कोई भी ऐसा मिसाइल है, चाहे कोई भी ऐसी परेशानी है, तो आज हमने उसके दिए हुए इख्तियार के साथ अबलीस को पांव के नीचे लौटना है। हमें बाइबल मुकद्दस में खूबसूरत एक बात पढ़ी कि उसका साया ही किसी शख्स पर पड़ता था तो वो शिफा पाता था। क्या वो इंसान कुछ कर सकता था? क्या कर सकता था? कुछ करना शुरू हुआ जब खुदा ने उसे कुवत का लिबास दिया। जब मेरा और आपका यीशु आसमान पर गया, उसने कहा कि मैं जाता हूं, तेरे लिए एक मददगार भेजता हूं। आमीन, आमीन। और आगे कहता है कि तब तक तुम बाला खाना में खड़े रहना जब तक तुम्हें कुवत का लिबास। हालेलुया। अगर आज आप कुवत को मांगना चाहते हैं, उस कुवत के लिबास को पाना चाहते हैं, तो मत घबराएं। आज खुदावन आपके इवस की बहुत बड़े बड़े काम करने को है, बहुत सी जिंदगियों को बचाने के आप बाइस बनेंगे। हमारे दरमियान में रात को एक खुदा की बेटी आई दुआ के लिए, तो उसकी ये टेस्ट मनी थी, उसकी ये गुवाही थी, कहती कि मैं शुरू से चर्च जाती थी पर मेरा ईमान था कि मैं 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे खुदा के घर में बैठती हूं, खुदा के घर में बैठती हूं, तो मैं वो बरकत को अपने साथ अपने घर में लेकर जाती थी। और पता नहीं कितने साल हो गए मैं ऐसे ही चर्च जाती थी और मैंने कभी भी दुआ नहीं करवाई। आमीन, 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 हालेलुया। उससे पूछा मैंने क्यों, कहती के पास बात देखे कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा ईमान क्या होता है, पुख्ता हो जाता है। अगर हम वश में बैठे हैं तो क्या उस जगह पर खुदा की हजूरी नहीं है? हालेलुया, हालेलुया।
कि जब दुआएं होती हैं तो खुदा का आसमान नहीं खुलता। जब कलामे मुकद्दस खुलता है तो उसकी हजूरी का बादल जोर से बरसता है, तो मैं क्या पाती हूं, बरकत पाती हूं। तो मैं चर्च आती हूं और चर्च के बाद सीधी अपने घर जाती हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये बात क्या है, ये बात है ईमान की। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ईमान है तो खुदा का कलाम भी फरमाता है कि जा तेरे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान है तो इस पहाड़ को कह, इस जगह से बिखर जा, तो वह भी तेरा कहना मानेगा। हमें हमें यही चीज खुदा की बेटी बता रही थी कि जब से मैं खुदा के घर में जा रही थी तो मैं कभी भी पास्टर से प्रे नहीं करवाई। आमीन। उसकी बात भी सच है, ये नहीं कि वो झूठ बोल रही है या उसने उस बरकत को रिसीव नहीं किया। वाकई ही जब वर्शिप स्टार्ट होती है तो खुदा की हजूरी उस जगह पर आना शुरू हो जाती है। आमीन। जब दुआएं होती हैं तो खुदा का आसमान क्या होता है, खुलता है। जब कलामे मुकद्दस खुलता है तो क्या होता है, खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि वो हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। ये कलामे मुकद्दस क्या है, ये चिराग है। तो जब हम उसकी रोशनी के नीचे होते हैं, जब हम उसकी रोशनी के नीचे होते हैं तो हमें कोई बीमारी या परेशानी या मुश्किलात या अबली सी तस्वीरें तंग नहीं कर सकती। हालेलुया। जब हमारा ईमान पुख्ता होगा तो फिर हम हर एक चीज पर क्या आएंगे, गालिब आएंगे। आगे कलामे का पढ़ा और सुना जाना।